हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिकॉज जिनको भी मीठा खाना बहुत पसंद है, जिनको भी डायबिटीज़ है या फिर जिनको मीठे की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है। और साथ ही साथ इस चीज़ से आप अपना वेट कैसे लॉस करोगे, सेकेंड चीज़ ये है। क्योंकि मीठा खाना एक तरह का नशा है। अगर आपने ये सोचा कि नहीं नहीं मैं मीठा नहीं खाऊंगा, और करते करते आपने सिर्फ इतना सा पीस ले लिया, देन उसके बाद आप एक फुल मिठाई या डेढ़ फुल मिठाई खाना से अपने आप को बचा नहीं सकते। अगर आप मीठे, आपको मीठा पसंद है तो, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जिनको मीठा नहीं पसंद, लेकिन जिनको मीठा पसंद है। सेकेंड चीज़, मीठा एक नशा है। ये साइंटिस्ट भी मानते हैं कि मीठा एक नशा है। अगर आपने छोटा सा टुकड़ा ले लिया है और फिर आप एक से डेढ़ दो खाए बिना नहीं अपने आप को रोक पाएंगे, तो उस नशे को फटाफट से आपका कम करना है मुझे। और उसके लिए मैंने बहुत अच्छा सा तरकीब निकाली है। एक तरकीब मैंने ऐसी निकाली है जो आपको घर से ही मिल जाएगी, एक तरकीब मैंने ऐसी निकाली है जो आपको मार्केट से लेना पड़ेगा। दोनों ही चीज़ों में आप मीठा खाओगे लेकिन कैलोरीज आपको नहीं मिलेंगी बॉडी में, यानी कि वेट गेन नहीं करोगे। मीठा खाते हुए भी आप वेट गेन नहीं करोगे और आपकी क्रेविंग भी कम होगी। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि हम जब जोश में आ जाते हैं तो हम 3-4 दिन 5 दिन मीठा खाना छोड़ देते हैं, लेकिन जैसे ही वो जोश ठंडा होता है, 6ठे दिन हम 2-3-4-5 मिठाई सोचते हैं, छोड़ो ये वेट लॉस वॉस क्या होता है, और मिठाई खाना स्टार्ट करते हैं। आपको सुटेबल रहना है अपने वेट के लिए, ये नहीं माइंड में ये रखना ही नहीं है कि मैं डाइट पे हूँ। अगर आपने माइंड में ये रख लिया कि मैं डाइट पे हूँ, तो किसी ना किसी दिन वो डाइट फूटती है और आप जम के खाना खाते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने माइंड से डाइट का जो भी है टॉपिक निकाल दीजिए माइंड से। आपको नॉर्मल रहना है और ये चीज़ आपको नॉर्मल लाइफ में बहुत ही हेल्प करेगी। तो मैं बात कर रही हूँ जिस पे उसका वीडियो आगे है, तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन मेरे नए चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं अपनी स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड, नए यूट्यूबर के इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड ये सारी चीज़ों के टॉपिक लेके आऊँगी। इवन दिवाली आ रही है तो घर से रिलेटेड ब्लॉग्स भी लेके आऊँगी। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, इस पाउडर बनाने के लिए आपको चाहिए गुड़। जी हाँ, मैं यहाँ पे गुड़ की बात कर रही हूँ, और इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। तो मैं अपनी, अगर मुझे मीठा खाने की क्रेविंग होती है तो मैं हमेशा ही गुड़ लेती हूँ, उसके चाय लड्डू बनाऊँ, और चाहे मतलब कोई भी चीज़ मैं बनाऊँ, जैसे कि अगर मुझे चाय पीने की मीठी मन हुई तो मैं इसे ले लेती हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया कि स्टीविया भी आप ले सकते हैं, लेकिन गुड़ इज़ अ, मतलब ये आपकी बॉडी में फैट को नहीं जमने देगा। और आप इसकी खीर भी खा सकते हैं, आप इसके मीठे राइस भी खा सकते हैं, तो काफ़ी चीज़ों को आप इसे खा सकते हैं। और बेनिफिट्स तो ऑलरेडी मैंने बताए हुए हैं, तो जो डायबिटिक पेशेंट नहीं होना चाहते हैं वो इसे खा सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि चीनी में एक नशा होता है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी खीर खा सकते हैं, इसके आप चाय पी सकते हैं, इसके लड्डू खा सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसका पाउडर एक आपको फाइन पेस्ट बनाना है। तो पीसने के बाद हमें इस तरह, बहुत महीन तो नहीं बनेगा, लेकिन बहुत पीसने के बाद आपको इस तरह से मिलेगा ये। और अगर मिक्सी नहीं है आपके पास या ख़राब है तो आप इसे चाकू से भी कट कर सकते हैं। और अगर आपने चीनी की जगह पर इसे खाना स्टार्ट कर दिया तो आपको जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम नहीं होगा, और आपकी बॉडी में खून की कमी नहीं होगी। और जैसे जिनको भी पेट साफ होने की दिक्कत है, जिनको पेट साफ नहीं होता है, उनके लिए बहुत ही कारगर है। शरीर बहुत ही स्वस्थ और एक्टिव रहेगा। ये सारे आँखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, दिमाग के लिए बहुत ही अच्छा है, स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, पीरियड्स में बहुत अच्छा ये वर्क करता है। जैसे कुछ लोगों को पीरियड्स की डेट अगर इधर उधर होती हैं, तो गर्म दूध के साथ अगर गुड़ का सेवन करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा वो आपके लिए। तो इस तरह से, और हाँ, जैसे चीनी जो बुरा असर डालती है आपकी बॉडी पर, तो उस पर भी काफ़ी अच्छा वर्क करने वाला है। चीनी से सस्ता है, चीनी से अच्छा है, और हर तरह से आपकी हेल्प करेगा। जिन लोगों को गुड़ का स्वाद नहीं पसंद है, वो स्टीविया लीव्स का
भी उपयोग कर सकते हैं। स्टीविया लीव भी एक तरह की पत्तियां हैं जो मतलब नेचुरल शुगर है, वो उसको भी आप चाय के साथ ले सकते हैं। उसका जो है आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, बहुत ही महंगे नहीं होती है। लेकिन गुड़ सबसे अच्छा तरीका है जो फुल बॉडी, इसे पता है सुपर फूड कहा जाता है। अगर आपने इसे खाना स्टार्ट कर दिया तो किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होने वाली है आपकी। तो एक बार अपनी लाइफ स्टाइल से चीनी गायब करके गुड़ को लेके आइए और देखिए कि हर मीठी चीज़ नुकसानदेह नहीं होती है। तो एक बार इसे ट्राई जरूर करिएगा। तो ये जो दो चीज़ों पे मैं बात कर रही हूँ, एक चीज़ तो आपके नीरज शॉप पे मिल जाएगी, सेकंड चीज़ आपको परचेज करना पड़ेगा जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।